तो देखिए फ्रेंड, पोहा का नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। कितना क्रिस्पी, कितना अच्छा टेस्टी बनके तैयार हुआ है। हेलो फ्रेंड, खुशबू की रसोई में आज स्वागत है आपका। आज हम आपको पोहा की बहुत ही नई मज़ेदार रेसिपी बनाना सिखाएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ मैंने एक पतीला ले लिया है और पतीले में पानी गर्म होने के लिए छोड़ दिया था 5 मिनट तक। पानी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। इसमें धुआं उठने लग गया है, तो इस पर चूरा ले लिया। आप इसे चूरा या पोहा दोनों ही कह सकते हो। और मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी चूरा गरम पानी में। यह मैंने 2 लाल मिर्च, ये भी मैं डाल दूंगी इसमें। और ये देखिए, यहाँ मैंने उबला हुआ आलू ले लिया है। आलू मैंने पहले ही उबाल लिया था, आप चाहे तो पोहा के साथ भी आलू उबाल सकते हो। तो मैं आलू उबला हुआ डाल दूंगी इसमें। ठीक है, यहाँ ले लिया मैंने हरा धनिया, तो थोड़ा मैं हरा धनिया डाल दूंगी। चुका है, ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देख, अब के मदद से छान लूंगी मैं पोहा को। इस प्रोसेस में क्या करना है, हमें पोहा को अच्छे से वॉश कर लेना है पानी से। तो देखिए, मैं पोहा को अच्छे से मैं वॉश कर ले रही हूँ, ताकि इसका सारा स्टार्च जो है, डस्ट वगैरह, वो साफ हो जाए, निकल जाए। हमने पोहा को उबाल के पानी से वॉश कर लिया था। अब इनसे हाथों की मदद से आलू के साथ मिस लेंगे। अच्छे से मैश करना है। इसमें हमने रफली प्याज काट लिया था, ये डाल देंगे इसमें, ये भी डाल देंगे। और हरी मिर्च बारीकी काट लिया था, ये डाल देंगे। ये यहाँ पर हरा धनिया ले लिया था, ये भी डाल देंगे इसमें। कुछ मसाला ऐड कर लेते हैं फ्रेंड। थोड़ी लाल मिर्च, हमने हरी मिर्च डाल दिया था इसलिए लाल मिर्च हमें कम डालना है। हल्दी, धनिया 1/2 चम्मच, आमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। ये अच्छे से मैश कर लेते हैं। इसको हमें हाथों की मदद से गोल गोल टिकिया बना लेंगे। ये देखिए, ऐसे टिक्की टाइप का जो बनता है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ हमने गोल गोल टिक्की बना के तैयार कर लिया है पोहा के मिश्रण से। तो देख सकते हैं आप, पूरी टिक्की बन के तैयार हो गई। इसे हम रख देते हैं, साउल ले लिया है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, कटोरा बेसन ले लिया है, ये डाल देंगे मिक्सी बाउल में। काट लिया था, ये डाल देंगे। तेल डालेंगे, आप ध्यान रखना तेल आपको कम ही डालना है। तेल को अच्छे से फैला लेंगे पैन में। जीरा, 2 लाल मिर्च, प्याज, राई, सौंफ, सौंफ और धनिया, 4-5 मूंगफली के दाने डालेंगे, चने की दाल डालेंगे। इसमें सोटे लगा लेंगे। हम जो सोटे लगाए थे, इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं मिक्सी बाउल में। तो देखिए, हमने मिक्सी बाउल में पीस लिया है इसे। अब हम इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं बाउल में। मिक्स करेंगे नमक, सरसों का तेल डालने से बहुत ही अच्छी शाइनिंग आ जाएगी हमारी चटनी में। इसे मिक्स कर लेती हूँ। तो ये हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है। तो यहाँ देख सकते हैं, हमने बेसन की पतली सैलरी बना के तैयार कर ली है। अब हमें इस प्रोसेस में क्या करना है, ये जो हमने टिकिया बनाई थी ना आलू की, अब हमने जो ये टिकिया बनाई थी आलू की, इसको हमें इसमें डीप करना है। अरे, टिकिया को बेसन की सैलरी में डीप करके डाल देंगे। तेल में फ्राई कर लेना है और गैस हाई फ्लेम पे रखना है फ्रेंड। आप ये फ्रेंड, ये पोहा का नाश्ता इतना ज़बरदस्त, इतना टेस्टी लगता है। अगर कोई मेहमान आ जाए घर पे, तो आप इसे बना के सर्व करिए, बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा और झटपट बन जाता है फ्रेंड। दिखाएंगे, बहुत ही महंगा रेसिपी है ये ट्रे में, ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड, पोहा का नाश्ता बन के तैयार हो चुका है। कितना क्रिस्पी, कितना अच्छा टेस्टी बन के तैयार हुआ है। ये मैं आपको पास से तोड़ के दिखाती हूँ।
ये देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल मुंह में जाए और घुल जाए, इतना क्रिस्पी नाश्ता ये बन के तैयार हुआ है फ्रेंड। तो आप भी इसकी तो बात ही क्या है, साथ में तो खाइए आप भी, मैं भी आपको ट्राई करके दिखाती हूँ खा के। तो बनाया तो आप भी बनाइए मेरे तरीके से खाइए, आपके घर पे कोई मेहमान आता हो तो उसको भी बना के सर्व करिए, बहुत ही अच्छा बनता है। और इसके साथ चाय, ये पकौड़ी इस चटनी के साथ तो टेस्ट ये लगाएगा। तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो फ्रेंड तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट में ज़रूर बताना हमको आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगले रेसिपी।